दोस्तों, क्या आपको मालूम है चीनी कैसे बनती है? जैसा कि आपको दिख रहा होगा, कितनी आसानी से ताजी ताजी चीनी बन रही है। तो चलिए हम आपको पूरी प्रक्रिया बताते हैं, आखिर चीनी फैक्ट्री में बनती कैसे है। दोस्तों, शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसे मीठा ना पसंद हो। थोड़ा ही सही, लेकिन सभी मीठे के दीवाने हैं, और मीठे के लिए इस दीवानगी का असर अभी से नहीं बल्कि कई सालों पहले से चला आ रहा है, क्योंकि मीठे का स्वाद मुंह में आते ही अलग एहसास होता है। वह हमारे दिमाग में खुश रखने वाले हार्मोन्स, जिन्हें डोपामाइन कहा जाता है, उन्हें सक्रिय कर देता है। खैर, मिठास तो हमारे दिमाग में असर करती ही है, लेकिन जब बात मीठी की आती है तो सबसे पहले चीनी का जिक्र आता है, क्योंकि अधिकतर चीज़ें चीनी से ही बनती है। लेकिन जब दुनिया भर में मौजूद अधिकतर स्वादिष्ट चीज़ें चीनी से बनकर तैयार होती है, तो सवाल यह आता है कि चीनी किस चीज़ से बनकर तैयार होती है और इसे बनाने के लिए किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपका दोस्त रवि प्रजापति आपको यह बताने वाला कि किस तरह बड़ी बड़ी फैक्ट्री में चीनी बनकर तैयार होती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। सबसे पहले हम आपको यह बताना चाहेंगे कि ब्राजील के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादक भारत में होता है, और यह उत्पादन साल दर साल बढ़ता जा रहा है। लेकिन बात जब इसके बनने की प्रक्रिया की आती है, तो सबसे पहले गन्ने को खेतों से काट कर शुगर मिल तक लाया जाता है, और यह चीनी बनने की पहली प्रक्रिया है, क्योंकि चीनी अधिकतर गन्ने से बनाई जाती है। चीनी बनाने के लिए गन्ने के अलावा चुकंदर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन भारी मात्रा में गन्ना ही चीनी बनाने के लिए उपयोगी होता है। जब गन्ने को खेतों से निकाल कर चीनी मिल तक लाया जाता है, तो उनके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, और उन टुकड़ों को चॉपर मशीन में डाला जाता है, और इस मशीन में गन्नों के बराबर साइज के टुकड़े होते हैं। पर ऐसा इसलिए होता है ताकि इन्हें सही मात्रा में निचोड़कर ज़्यादा रस निकाला जा सके। और फिर गन्ने को धोया जाता है, और जब गन्ने पूरी तरह से साफ हो जाते हैं, तब उन्हें निचोड़ने के लिए क्रेशर में डाल दिया जाता है, ताकि गन्ने का रस और छिलका अलग अलग हो जाए। चीनी मिल में अलग होने वाले छिलकों को बगास कहते हैं, जिसे बाद में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह इतना पावरफुल ईंधन है कि शुगर इंडस्ट्री की तमाम जरूरतों को इसी के मदद से पूरा कर लिया जाता है। गन्ने के छिलके और रस को अलग करने के लिए जो मशीन इस्तेमाल होती है, उसे मिल हाउस कहते हैं, और मिल हाउस में हासिल होने वाले गन्ने के रस को छानकर प्रोसेस हाउस में भेज दिया जाता है, और उसी प्रोसेस हाउस में गन्ने के रस को चीनी के दानों तक के प्रोसेस को तय करना होता है, जहां सबसे पहले गन्ने के रस को 75 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, और फिर उसमें मिल्क ऑफ लाइम मिलाया जाता है। और इसे मिलाने का मकसद यही होता है कि गन्ने में मौजूद एसिडिटी को कम किया जा सके, क्योंकि उसके अंदर हल्के फुल्के एसिड की मात्रा होते हैं, लेकिन इस अम्ल को मिलाने के बाद वो कम हो जाती है, और फिर 104 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके क्लैरिफायर में डाला जाता है, जहां पर उस रस के अंदर तरह तरह के फूड ग्रेड केमिकल इसमें डाले जाते हैं, ताकि रस में मौजूद तरह तरह के इम्प्योरिटीज नीचे बैठ जाए, जिस वजह से हमें साफ रस ऊपर की सतह पर आता हुआ दिखाई देता है, और साफ रस ऊपर आ चुका होता है। इसे एयर ऑपरेटर की मदद से भाप में उबाला जाता है, ताकि रस में मौजूद पानी भाप बनकर अलग हो जाए, और इसी प्रोसेस की वजह से रस गाढ़ा होकर सीरा बन जाता है, और फिर गाढ़े सीरे को भाप के सहायता से गर्म करके चीनी के खान दाने यानी कि रा शुगर क्रिस्टल बनाए जाते हैं। और जब ये रा शुगर तैयार हो जाते हैं, तो इसका कुछ हिस्सा रख लिया जाता है, क्योंकि इससे मिस्त्री बनाने वाले लोग खरीद लेते हैं, क्योंकि इस तरह की चीनी केमिकल से भरी होती है, जिस वजह से मिश्री बनाने के लिए एक कढ़ाई में रा शुगर यानी पानी और थोड़ा सा दूध डालकर अच्छे से उबाला जाता है, और कई घंटे उबालने के बाद जब ये लेजदार हो जाती है, तो पहले से तैयार दूसरे बर्तन जिनके ऊपर धागे लगाए जाते हैं, उस बर्तन में डाल दिए जाते हैं, और फिर 7 दिनों तक इन्हें पूरी तरह से ढक कर रखा जाता है, ताकि इसको किसी भी तरह के हवा ना लगे। और जब इसे 8 दिनों बाद खोला जाता है, तो रा शुगर से मिश्री बनकर तैयार हो जाती है, जो चीनी की तरह होती है, लेकिन उसका स्वाद थोड़ा अलग होता है।
और हम आपको यह बताना चाहते हैं कि रॉ शुगर से बतासे भी बनाए जाते हैं, जिसके लिए कढ़ाई में चीनी, पानी और बेकिंग सोडा या हाइड्रो पाउडर डालकर अच्छी तरह से पका लिया जाता है और बाद में इसके छोटे छोटे ड्रॉप गिराकर बतासे बनाए जाते हैं। पर अब बात करते हैं असल मायनों में जो हम छोटी छोटी चीनी खाने में हम प्रयोग करते हैं वो किस तरह बनती है। उसके लिए रॉ शुगर को सीरे से अलग करने के लिए एक ख़ास तरह के छलनी से गुजारा जाता है, जहां देसी चीनी और सीरे को अलग कर दिया जाता है। उस सीरे को मोलासेस कहते हैं। इससे कई तरह के प्रोसेस से गुजार कर कई ग्रेड की चीनी बनाई जाती है और आखिर में जो मोलासेस बचता है उसे फाइनल मोलासेस कहते हैं और शुगर इंडस्ट्री के लिए बाई प्रोडक्ट होता है, जबकि हासिल होने वाली चीनी को गर्म पानी में डालकर दोबारा मेल्ट किया जाता है और फिर इन्हें लीगर में डाला जाता है, जिसके अंदर कई तरह के फूड ग्रेड के मिठास डाले जाते हैं ताकि चीनी का कलर सफ़ेद हो जाए। और फिर इस देसी चीनी को छानकर प्योरिटी किया जाता है और इससे प्राप्त होने वाली चीनी की गर्म हवा से पूरी तरह से साफ कर दिया जाता है, जिसके बाद इस फाइनली चीनी के दानों को चीनी की साइज की छलनी से गुजार कर अलग अलग किया जाता है, जहां बारीक और मोटे दाने वाले चीनी को पैक करके सप्लाई के लिए भेज दिया जाता है और जो दाने छोटे रह जाते हैं उन्हें पीस कर शुगर पाउडर बना दिया जाता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि किस तरह खेतों में लगे गन्ने से लेकर चीनी के दानों का सफर अलग अलग प्रोसेस से होकर गुजरता है। बाकी इसके बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हम फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।